2023 के विदाई के साथ 2024 में प्रवेश कर जाएंगे। बता दें कि आज साल का आखिरी दिन है 2023 का, कल से 2024 में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में अभी हम बता दें कि पटना में जो तमाम जो कार्यालय हैं, तमाम कार्यालय का आपको दृश्य दिखाएंगे कि तमाम कार्यालयों को किस तरीके से 2024 को लेकर उत्साह है। अभी हम पटना के वीरचंद पटेल पे हैं और आरजेडी दफ्तर है मेरे पीछे। आरजेडी दफ्तर के कार्यालय देख सकते हैं कि बंद है अभी तक पड़ा हुआ, जो बता दें कि 12 बजने को है लेकिन अभी तक जो है कार्यालय पूरी तरीके से बंद है। उसके साथ साथ जो तमाम उधर के भी गेट दिखाएंगे, एक नंबर जो गेट है वो एक नंबर भी गेट बंद है। ऐसे में लेकर जो कही जाए तो एक जो नए साल को लेकर जश्न का जहां पूरे देश में लोग अलग अलग अंदाज में मना रहे हैं, तो वही राजनीतिक से जुड़ी हुई मामले में अगर बात कर लिया तो बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार अध्यक्ष बनने के बाद जो इनका जेडीयू का अध्यक्ष बनने के बाद जो जहां आरजेडी में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो ये आरजेडी कार्यालय का ये तस्वीर है। आरजेडी कार्यालय में देख सकते हैं किस तरीके से जो कही जाए तो सन्नाटा पसरा साफ तौर पे। कल का तस्वीर हम आपको दिखाए थे कि राबड़ी आवास पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ, और आज जो 2023 का आखिरी दिन है, आखिरी दिन के दिन भी जो कही जाए तो कार्यालय में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ, कार्यालय में एक भी नहीं है। ऐसे में तमाम जो तस्वीर जो देख रहे होंगे, तमाम जो तस्वीर जो नए वर्ष के लेकर लोगों को शुभकामनाएं दी गई है, बिहार के जनता को, उसके साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं उनको शुभकामनाएं दी गई है। लेकिन जो कार्यालय में देख रहे होंगे, कार्यालय में अंदर के कार्यालय का दिखाएंगे तस्वीर, कार्यालय में भी देख रहे होंगे सन्नाटा पूरी तरीके से पसरा हुआ। आखिर जो कही जाए क्या 2024 का प्रवेश होते हैं, क्या 2024 में कोई बड़ा खेला होगा, या 2024 में ये जो कही जाए तो सत्ता में परिवर्तन होगा या कोई और इस अध्याय रचा जाएगा। लेकिन जो अभी आरजेडी दफ्तर के अंदर के दो तस्वीर दिखा रहे हैं, 12 बजने को है लेकिन एक भी कार्यकर्ता हो चाहे जो वॉचमैन हो वो तक दिखाई नहीं दे रहे। साफ तौर पे यहाँ पे जो तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, अच्छे बड़े लेवल के नेता हैं, उनके द्वारा शुभकामनाएं के लिए जो पोस्टरें लगाई गई है, लेकिन जो आरजेडी कार्यालय के अंदर जो कही जाए तो एक भी कही जाए तो कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहा, नहीं यहाँ पे जो काम करने वाले वॉचमैन हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि साफ तौर पे 2024 में कहीं ना कहीं जो कही जाए तो सत्ता में जरूर परिवर्तन होगा। सत्ता क्या बिहार के राजनीतिक जो कही जाए तो नीतीश कुमार शुरू से माहिर खिलाड़ी रहे, क्या नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन करने में कायम रहते हैं, यह देखना होगा। सहयोगी शशि के साथ विवेक रंजन, न्यूज डेस्क पटना। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।